यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नशे ने सीआईडी ऑफिसर को पहुंचाया हवालात, नयानगर पुलिस ने पकड़ा फर्जी सीआईडी ऑफिसर। मीरा रोड के नयानगर से पुलिस ने एक सीआईडी ऑफिसर को गिरफ्तार करते हुए बड़े मामले से पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें, जिस आरोपी ऑफिसर की गिरफ्तारी की गई वह कोई अधिकारी नहीं होकर एक शातिर बदमाश था, जिसने अपने पास सरकारी विभाग की जाली आईडी कार्ड बनवाकर खुद को गुप्तचर विभाग में बड़े पद का अधिकारी बताता था, जो कि पिछले दिनों नशे की हालत में पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बदसलूकी भरा व्यवहार कर रहा था। आरोपी के इस आचरण पर पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पूछताछ की, तब खुद को अंडरकवर ऑफिसर बताने वाले आरोपी की पोल खुल गई। आरोपी से पुलिस ने अलग अलग कई दस्तावेज एवं फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किए हैं। इस मुख्य आरोपी के साथ एक और आरोपी, जिसने इस मुख्य आरोपी को फर्जी आईडी कार्ड बनाकर दिए थे, को भी पुलिस ने हिरासत में लेते हुए दोनों को अदालत में पेश कर दिया है, जहाँ से दोनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। वीडियो में आगे सुनिए पुलिस के आला अधिकारी को, जिन्होंने मीडिया में आरोपी को पकड़े जाने के बारे में पूरी जानकारी देते हुए मामले का पूरा खुलासा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। 25 अगस्त को रात के लगभग 11 बजे जब एक आदमी हमारे नयानगर पुलिस स्टेशन के शांति नगर की जो हमारी बीट चौकी है वहाँ पर रात का खाना खा रहे थे, तो एक आदमी हल्ला गल्ला करते हुए आवाज़ ज़ोर ज़ोर से करते हुए वहाँ पर आया, और जो हमारे अमलदार श्री नारायण घुगे और स्वप्निल ताइडे खाना खा रहे थे उनको डांटने लगा कि आप इधर क्या खाना खा रहे हो, आपने रेलवे स्टेशन और आपकी चौकी के आजू बाजू के दुकान तो बंद कर दिए, लेकिन दूसरे जो दुकान मार्केट में है वो कौन बंद करेगा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दुकान चालू दुकान दिखाता हूँ, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। वह आदमी ऐसा जब चिल्ला रहा था, ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा था, तब हमारे उन पुलिस अमलदार के ध्यान में यह आया कि वह कोई तो भी नशा किया हुआ है, क्योंकि उसका जो चिल्लाना और साथ ही साथ में उसके मुंह से जो दुर्गंध फैल रहा था उसका आधार पे उन्होंने वैसा जो अनुमान लगाया। फिर उसको बात करते हुए उन्होंने नयानगर पुलिस स्टेशन में जब लाया तो नयानगर पुलिस स्टेशन में हमारे नयानगर के पुलिस उपनिरीक्षक सुहेल पठान जो ड्यूटी ऑफिसर थे उन्होंने जब उससे साथ बात किया तो उनके भी ध्यान में यही बात आया कि वह किसी न किसी नशे के अमल में है। जब उसको वैद्यकीय तपासनी के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब वापस से वह पुलिस के साथ धक्का बुक्की, गाली गलौज और चिल्लाई करने लगा था। साथ ही साथ उसने फिर जब ध्यान में आया कि पुलिस उसको मेडिकल के लिए लेके जा रही है, तब उसने एक आईडी कार्ड निकाला और पुलिस को उस वक्त हाजिर सुहेल पठान साहब को बताया कि मैं गुप्तचर यंत्रणा का आला अधिकारी हूँ और आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। लगभग रात के 12 बजे एक आदमी खुद को एक गुप्तचर यंत्रणा का आला ऑफिसर बता रहा था, इस वक्त इस कारण उसका आईडी कार्ड रख के लेके उसके जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन थी वो लिख के लेके उसको जाने दिया था। लेकिन बाद में जब नयानगर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी जितेंद्र वनकोटी और उनकी टीम ने इसकी और तफ्तीश चालू की तो ऐसा सामने आया कि वह जो आईडी कार्ड उसने हाजिर किया था, दिखाया था, वह टोटली बोगस बनावट था। दूसरे दिन इस संगीन जुर्म को ध्यान रखते हुए और उसकी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन ली गई थी पुलिस स्टेशन की उसके आधार पर उसको जब पुलिस स्टेशन में लाया गया तो उसने कबूल कर लिया कि उसने वह बनावट आईडी कार्ड बनाया था, और जहां से उसने यह बनावट आईडी कार्ड बनाया था वो बनाने वालों को भी फिर नयानगर पुलिस स्टेशन ने हिरासत में लिया है। नयानगर पुलिस स्टेशन की टीम आगे की तफ्तीश कर रही है। जब माननीय कोर्ट के सामने दोनों आरोपियों को हाजिर किया तब कोर्ट ने भी इस संगीन जुर्म को ध्यान में रखते हुए दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी आगे की तफ्तीश करने के लिए मंजूर की है। साथ ही साथ जो आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, जो प्रथम आरोपी खुद को
एक गुप्तचर यंत्रणा का अधिकारी बता रहा था, उसके ऊपर जूहू पुलिस स्टेशन में भी एक ऐसा ही गुना दाखिल है जिसके अंदर उसने बैंक के साथ चीटिंग किया है। और जो दूसरा आरोपी हमने अरेस्ट किया है जिसने यह बनावट आईडी कार्ड बना के दिया था मुख्य आरोपी को, उसके ऊपर भी इसी तरह के फॉर्जरी के इसके पहले के दो गुने सामने आए हैं। मैं हमारी पुलिस के टीम के वती से पूरे शहरवासियों के आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई उनको खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर कुछ गलत बात करते हैं तो उन्होंने स्थानीय पुलिस से साथ संपर्क कीजिए। कोई भी अगर कुछ कानूनी और सही सूचनाएं देता है तो उसके ऊपर ही विश्वास रखें। कोई गलत सूचना देता है, गलत धमकी देता है तो उसके बारे में स्थानीय पुलिस स्टेशन को तुरंत इत्तला कीजिए। धन्यवाद सर। आईबी जैसी एजेंसी का नाम आना और अपने आप को आला अधिकारी बताना और वो बोगस है, फर्जी है, ये एक दिन में साबित कर देना पुलिस के लिए कितना आह्वानात्मक था। सॉरी, मैंने अभी तक किसी भी यंत्रणा का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ बताया कि गुप्तचर यंत्रणा का एक उसने आईडी कार्ड हाजिर किया है, तो किस यंत्रणा का उन्होंने आईडी कार्ड दिखाया ये मैं आपको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी भी इस गुना का तपास चालू है। साथ ही साथ हमें जिस यंत्रणा का उसने आईडी कार्ड दिखाया था उस यंत्रणा ने भी हमको बहुत सहकार्य किया क्योंकि उन्हीं के सहकार्य की वजह से हमको यह तुरंत पता चला कि यह आईडी कार्ड बोगस है। और सर, उसका नाम क्या है, कहां से आईडी बनवाया, कौन सा दस्तावेज थे, जो कितने दिन का पीसी मिला, उसका नाम नाम सर आपने नाम नहीं बताया, नाम क्या उसका, जो हाईकोर्ट की गाइडेंस है, गाइडलाइंस है, उसकी वजह से मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो प्रमुख आरोपी है वह हमारे नयानगर के क्षेत्र में ही पूनम सागर जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर रहता है। और जो दूसरा अभियुक्त है वह वसई से अरेस्ट किया गया है और उनका दोनों का भी 30 तारीख का पुलिस कोठड़ी मंजूर है। जी हाँ, यह जो प्रमुख आरोपी है उसके पास से ऐसे ही 4 और बनावट आईडी कार्ड्स मिले हैं। साथ ही साथ उसके पास 3 मोबाइल्स, 2 बैंक के पासबुक, 1 पासपोर्ट और 1 लैपटॉप और कुछ और आर्मी जैसे सिंबल्स उसके पास मिले हैं जिसका भी तफ्तीश नयानगर पुलिस स्टेशन कर रहा है। उसका आर्मी का भी कोई कार्ड था सर? हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।